अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मानूर, तुम्हारा मैथ्स का टेस्ट कैसा हुआ? टीचर, आज मैथ्स का टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि आज मैथ्स के मिस नहीं आई थी ना। अच्छा, तुम ऐसा करो, अपनी कॉपीज निकालो, मैं तुम्हें एक दफा दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। और मासूमा, तुमने होमवर्क किया है? जी मिस। अच्छा, तुम कॉपीज निकालो, मैं चेक करती हूँ। हिना, आज तुम बस दाल बना लेना, क्योंकि घर में तो ना राशन है, ना घी, ना तेल, मसाले सब खत्म हो चुके हैं। मुमानी, मैं राशन की लिस्ट बना देती हूँ, आप जबरान से कह के मंगवा लीजिए। बीबी, मुफ्त में नहीं आता राशन, पैसों से आता है। और तुम्हारे मामू ने अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं भेजी है। लोगों के मुंह पर तो है कि मियां दुबई में बैठा हुआ है, क्या भेजता है वहां से किसी को नहीं पता। मेरा दिल जानता है कि मैं कैसे पैसा जोड़ जोड़ कर ये घर को चला रही हूँ। मेरी हिम्मत है ये सिर्फ। मामी, इसे दबा के रखे रहती हूँ, ये नहीं कि मुमानी के हाथ में पहले ही दे दो। नहीं, पहले हाथ फैला ले मुमानी, फिर दूंगी मैं पैसे। क्या कह रही है मुमानी? ठीक कह रही हूँ मैं, हमेशा तुम जता कर देती हो पैसे, ये नहीं कि मुमानी के हाथ में पहले ही रख देती। अरे, तुम इस घर में रहती हो, तुम्हारा फर्ज है। तनख्वाह अगर तुम्हें मिल गई थी तो तुमने क्यों नहीं मुझे ला के दे दिए पहले पैसे? मुझे अभी तक सैलरी नहीं मिली, ये मेरी पिछले महीने की सेविंग है। अरे, जो भी था, तुम ये पैसे पहले भी तो दे सकती थी, लेकिन नहीं, तुम तो इंतजार में थी कि मुमानी हाथ फैलाए फकीरों की तरह, तो मैं उसके हाथ में रखूं। खैर, सब्जी काट लो तो मेरे लिए एक प्याली चाय बना देना। जी जी मुमानी, किचन में काम बहुत ज्यादा था, समेटते हुए वक्त लग गया। मैं बस ये काम कर लूँ, उसके बाद आपके लिए चाय बना देती हूँ। तुम्हें आवाज नहीं आ रही? दरवाजे पे कोई है, जाके देखो। जी, मैं अभी देखती हूँ। सादिया बाजी, आप प्लीज आए बैठे। नहीं है ना, मैं बैठूंगी नहीं, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ हाँ, आप जरूर कीजिए। और आज जवेरी और मानूर भी ट्यूशन नहीं आए, सब ठीक तो है ना? मैं यही बताने के लिए आई थी कि बच्चे अब ट्यूशन नहीं आएंगे। मगर क्यों? उनके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, ये बहुत अहम टाइम है उनके लिए, आप उनको बाकायदगी से ट्यूशन भेजा करें। क्या बात है सादिया बाजी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। तुम तो जानती हो हिना, मैं 3 महीने से तुम्हारी ट्यूशन की फीस नहीं दे पाई हूँ। इनके पापा रोजाना नौकरी ढूंढने के लिए निकलते हैं, लेकिन उनको नौकरी मिल ही नहीं रही। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके अपने घर का खर्चा चला रही हूँ। मजीद बच्चों की ट्यूशन फीस नहीं दे सकती, गुंजाइश ही नहीं है। सादिया बाजी, अल्लाह ताला अपने उन्हीं बंदों को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। यह आजमाइश का वक्त है, इंसान के हालात कभी एक जैसे नहीं रहते, और अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके हालात भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप फिक्र नहीं करें और बच्चों को रेगुलर ट्यूशन भेजें, उनका हर्ज नहीं होना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो मेरा, वरना तो आजकल लोगों ने तालीम को कारोबार बनाया हुआ है। जैसे इनके पापा की नौकरी लगेगी ना, मैं सबसे पहले तुम्हारी फीस के पैसे दूंगी। आप इसकी फिक्र बिल्कुल नहीं करें, आपके पास जब होंगे आप तब दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो एक मिनट सादिया बाजी, एक मिनट रुके। सादिया बाजी, आप ये पैसे रख लें। नहीं नहीं है ना, ये मैं नहीं रख सकती, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मुझ पर पहले ही बहुत एहसान आता है, तुम मेरे बच्चों को पढ़ा रही हो। सादिया बाजी,
मैं आपको सिर्फ बाजी कहती नहीं हूँ, दिल से बहन समझती हूँ। जैसी वसीम भाई की नौकरी लगेगी आप ये वैसे मुझे लौटा दीजिएगा। अभी आपके हालात सही नहीं है, ये आपके काम आ जाएंगे। नहीं हिना, मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं ये नहीं लूंगी। सादिया बाजी, अगर आप ये नहीं लेंगी ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, और मैं सच कह रही हूँ। मेरा बहुत शुक्रिया हिना। मैं आपको बाहर तक छोड़ देगी। बहुत भूख लगी है, कहाँ रह गया ये खाना? आपको पता है मेरे पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे हैं ना। अरे अब खाना ले भी आओ, भूखा बैठा हुआ है मेरा बच्चा जब से। ये क्या है, आज भी सब्जी बना ली आपने? अरे अम्मी जान, कभी तो चिकन बना लिया करें, पिछले दो दिनों से ये सब्जी खा खा कर मेरा ये हाल हो गया है। आपको रहम नहीं आता अपने बेटे पे? अरे यहाँ जब हर आने जाने वाले पर पैसे लुटाए जाएंगे तो घर में दाल सब्जी ही मिलेगी खाने को। अरे घर के लिए तो किसी के पास से पैसे निकलते नहीं और मुट्ठी भर भर के दूसरों को दिए जाते। क्या, किसने किसको मुट्ठी भर कर पैसे दिए बताएं जरा। लो तुम्हें ये भी नहीं पता, एक ही तो है यहाँ दीनदार। उमानी, अगर अल्लाह के दिए हुए माल में से उसकी रजा के लिए हम किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देंगे तो हमारा माल उससे कम नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। बीबी, अगर तुम्हारी जैसी सोच सबकी हो गई ना तो बस इंसान ने खा लिया और कमा लिया। मुझे तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें ज़रूरत क्या है मुफ्त में पढ़ाने की, क्या फ़ायदा है तुम्हारा इसमें? उमानी, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रही जो अपना फ़ायदा और नुकसान देखूँ। मेरी वजह से अगर कोई बच्चा किसी काबिल बन जाए मेरे लिए यही बहुत है। वैसे भी इल्म दूसरों में बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। मैं एक टीचर हूँ और टीचर का फ़र्ज़ होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ मुखलिस होना। वाह, क्या तकरीर करती हो। वैसे तुम्हारी सोच को सात तोपों की सलाम। अम्मी जान, आप इसे नहीं जी सकती बहस में, सॉरी। तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही जबरान। क्यों चुप रहे मेरा बेटा? और इधर सुनो, नेकी पहले घर से शुरू की जाती है, दूसरों की मदद बाद में करने निकलना। वानी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे इस घर में फाके पड़ रहे हों। अभी दो दिन पहले तो चिकन बनी थी, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, दूसरों से लाख दर्जे बेहतर हैं। सुन रहे हो महारानी की बातें? जी अम्मी जान, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। लेक्चर देखे गई है पूरा। अच्छा चलो बेटा, तुम खा लो, आज ताजी ही बनी है सब्जी। आपकी मोहब्बत में खा रहा हूँ वरना नहीं। अच्छा खा लेते। शाबाश। भाई मुझे अंदर तो जाने दो, मुझे इंटरव्यू देना है, तुमने मुझे कल भी नहीं जाने दिया था। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ आप अपनी सीवी जमा कराएं, मैं मैडम के परमिशन के बगैर आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। कितनी बार तुम्हें बता चुका हूँ मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सीवी नहीं है मेरे पास। एक मर्तबा मुझे मिलने दो, मैं उनसे खुद बात कर लूँगा, उन्हें समझा दूंगा। नहीं भाई, मैं इस तरह आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। आप खामखा अपना और मेरा वक्त जाया कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम मिस। भाई क्या कर रहे हो, क्यों अंदर जा रहे हो खामखा? अरे भाई मैंने तुम्हें बताया ना, मैं दूसरे शहर से आया हूँ, मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरी सीवी नहीं है, मुझे एक बार उनसे बात करने दो। भाई मैं इस तरह आपको अंदर जाने नहीं दे सकता, आप अपनी सीवी ले आएं। खामखा अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाएं। क्यों मेरी नौकरी के पीछे लगे हुए आप चले जाएं प्लीज़ मेहरबानी। तुम यहाँ? मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि मेरे कमरे में आने से पहले दरवाजा नॉक किया करो, समझ में नहीं आता तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा नौकर क्यों? तुम कोई गैर हो, हम तो कजन्स हैं ना, क्या आते जाते नौकर करता रूम में?
जिब्रान, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं मुमानी से तुम्हारी शिकायत करूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो परेशान हो गई, और वैसे भी कजन्स में बहुत फ्रैंकनेस होती है, पता नहीं तुम मुझसे इतना क्यों खिंची खिंची रहती हो। मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ, मेरा मतलब है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, और तुम मुझसे भाग जाती हो। तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्या मतलब है यहाँ क्यों आया हूँ? कोई काम होगा तभी आऊँगा क्या? हाँ जरूरी है, और अब बोलो अगर कोई काम है तो, वरना जाओ यहाँ से। तुम शायद भूल रही हो ना, ये मेरा घर है। और वैसे अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, तुम एक नंबर की एहसान फरामोश हो। मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझे ही मेरे घर से बाहर निकाल रही हो। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें इस घर से नहीं अपने कमरे से जाने का कह रही हूँ, और दूसरी बात ये कि ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरे मामू का घर है, और मैं इस घर में उनकी मर्जी से रह रही हूँ। इसलिए अब तुम अपनी फजूल बातें बंद करो और जाओ यहाँ से, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ल इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। Excuse me, ma'am. Assalamu alaikum. I think आप इस स्कूल में टीचर हैं? जी, मगर आप कौन हैं? मेरा नाम फैसल है और मैं हैदराबाद से आया हूँ। आपके स्कूल में जॉब करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो चौकीदार है ये मुझे प्रिंसिपल से मिलने ही नहीं दे रहा, काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा हूँ। मैंने आपको कल भी देखा था यहाँ। जी जी। आप अपना CV क्यों नहीं बनवा लेते? एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास CV है नहीं, और मेरे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे हैदराबाद, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, आप सिर्फ एक मरतबा मुझे प्रिंसिपल से मिलवा देना तो मैं उन्हें कायल कर लूँगा, आई एम श्योर। देखिए, मैं आपकी इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकती, आपको अपनी CV बनवानी पड़ेगी। प्लीज़ प्लीज़, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं प्रिंसिपल को कन्विंस कर लूँगा। मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, अगर ये जॉब मुझे नहीं मिली तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़। ठीक है, आप मेरे साथ आए, मैं देखती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप रुक जाएं, आप कहाँ जा रहे हैं? आने दो उनको, ये मेरे साथ। मैम, मेरा नाम फैसल है और मैं हैदराबाद से आया हूँ। जी। मुझे जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक्चुअली मेरे पास CV नहीं है, लेकिन मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको ईमेल कर सकता हूँ, अगर आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दें। और कुछ डॉक्यूमेंट्स ये हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास मैथ्स और साइंस के टीचर नहीं हैं, आप चाहें तो कल ज्वाइन कर सकते हैं, मगर एक बात क्लियर कर दूँ, हमारा सैलरी पैकेज बहुत कम है और अलाउंस भी नहीं है। इफ यू एग्री यू कैन जॉइन इट फ्रॉम टुमारो। मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सैलरी आप देंगी मुझे मंजूर है। गुड, तो आप इसी सैलरी में काम करें, मैं आपका काम देखकर आपकी सैलरी बढ़ा दूंगी। मैम थैंक यू सो मच, मैं आपको साबित कर दूंगा कि आपने मुझे हायर करके गलत फैसला नहीं किया। तो कल से फिर आप ज्वाइन कर लें। Thank you so much. Welcome. इस लड़के की इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है, इस क्वालिफिकेशन में, इस सैलरी में हमें कोई टीचर नहीं मिल सकता। तुमने बहुत अच्छा किया तुम मेरे पास ले आए। वैसे तुम्हारी एक आदत बहुत अच्छी है कि तुम लोगों की हेल्प करती हो, आई रियली अप्रिशिएट इट। मैम ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उनकी एक हदीस का मफहूम है कि लोगों के लिए फ़ायदा बनो। मैं सब कोशिश कर सकती हूँ, वसीला बनाने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है। बेशक तुम ठीक कह रही हो। अच्छा ये तो बताओ असाइनमेंट का क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ जो इस वीक का प्लानर है बच्चों का। गजाला अब तो 3 महीने होने को आ रहे, एक फूटी कौड़ी नहीं भेजी है। तुम फिक्र नहीं करो,
मैं तुम्हारी कमेटी तो भिजवाई दूंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा, तुम कहाँ थे? सारा दिन घर से गायब रहे हो। तुम्हारे अब्बू की 2-3 मर्तबा कॉल आ चुकी है, पूछ रहे थे तुम्हारा, फोन कर लेना उन्हें। ओके अम्मी जान, वो तो मैं कर लूंगा। और हाँ, वो कल मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया दावत पर, तो कुछ अच्छा सा बना लीजिएगा। दावत? किस खुशी में दावत हो रही है? अरे अम्मी जान, मेरे दोस्त हमेशा मुझे इतना खिलाते हैं, अब क्या एक दावत भी नहीं बनती? हाँ माना कि अब उनकी तरह इतना अमीर नहीं हूँ कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट लेकर जाऊँ, क्या अब मैं घर पे भी नहीं बुला सकता उन्हें? देखिए अम्मी जान, वो लोग हमेशा इतना खर्चा करते हैं, एक बार मैंने कर दिया तो क्या हो गया, समझा कर? चलो ठीक है हिना, तुम ऐसा करो बेटा कि कल स्कूल से छुट्टी ले लो सुबह। भाई अब जिब्रान ने पहली मर्तबा अपने दोस्तों को बुलाया है तो कुछ एहतमाम तो करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कढ़ाई और शामी कबाब, मीठा वगैरह तुम तैयार कर लेना। भाई दोस्तों के सामने कम से कम 2-3 डिशेस तो हों इज्जत रखने के लिए। स्कूल से छुट्टी तो मैं नहीं कर सकती, मैं इस महीने पहले ही एक छुट्टी कर चुकी हूँ। तो वो तुमने अपनी मर्जी से की थी? मुझे बहुत तेज बुखार था ममानी, मैं स्कूल नहीं जा सकती थी। तो अब मैं क्या करूं? मैं कोई तुमसे बिला वजह तो छुट्टी नहीं करवा रही। अच्छा आप ऐसा करें, जबरान से सारा सामान अभी मंगवाते हैं। मैं कबाबों का मसाला, कढ़ाई और मीठा बना के फ्रिज में रख देती हूँ और बिरयानी का मसाला तैयार कर देती हूँ, और सुबह स्कूल जाने से पहले बिरयानी बना कर जाऊंगी। हाँ चलो ये ठीक रहेगा। जबरान मैं पैसे ला के दे रही हूँ, हिना को तुम सौदा ला के दे दो। ओके अम्मी जान। हाँ बोल। अरे यार, 2 रूम लाउंज क्या, 1 रूम लाउंज भी चलेगा, बल्कि 1 रूम भी चलेगा। तू बस किराए की बात कर, मैं शाम में ही शिफ्ट हो जाऊंगा। प्लीज़ यार जल्दी कर दे यार। हाँ अच्छा ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप रेंट पे घर देख रहे हैं? हाँ मैं अपने फ्रेंड से इसी सिलसिले में बात कर रहा था। आप जानती हैं किसी स्टेट एजेंट को या फिर आपकी नज़र में कोई घर हो? हाँ एक्चुअली मेरे घर का ऊपर वाला पोर्शन खाली है, मेरी मुमानी उसे रेंट पे देना चाहती हैं। अच्छा। मैं अपनी मुमानी के साथ ही रहती हूँ और उनको कोई छोटी फैमिली चाहिए। मैं तो अकेला ही हूँ आप जानती हैं, मैं कब देख सकता हूँ आप प्लीज़ बताएं मुझे। आप ऐसा करें, आज ही स्कूल से वापसी पर मेरे साथ चलें, आप घर भी देख लीजिएगा और मुमानी से ख़ुद बात भी कर लीजिएगा। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आप दूसरी मर्तबा इस तरह से मेरी मदद कर रही हैं, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, मैं चलती हूँ। लो भाई देख लो, ये कमरा है और यहाँ पर ये बालकनी है, सामने वहाँ पे किचन है और 10,000 किराया है गैस बिजली के साथ। 10,000? आंटी थोड़ा किराया कम नहीं हो सकता? लो अब इससे ज़्यादा और क्या कम होगा, गैस बिजली भी तो इसी में शामिल है। मैं 12,000 से कम पे नहीं देती ये कमरा। वैसे तुम हिना के कोलीग हो तो तुम्हें मैंने कम ही बताया है, लेना है तो लो, मेरे पास बहुत किराएदार हैं यहाँ। ममानी ये आपको सोच के बता देंगे। अरे सोच के क्या बताना, लेना है तो लो, मैंने कहा ना बहुत किराएदार है मेरे पास। नहीं नहीं आंटी, मैं ये लेने के लिए तैयार हूँ। अच्छा है, अच्छा है, शाबाश, ये हुई ना बात। लाओ फिर एडवांस दे दो मुझे। एडवांस? एडवांस तो नहीं है मेरे पास। हाँ लेकिन मैं आपको किराया वक्त पे दे दिया करूँगा, जैसे ही तनख्वाह मिलेगी ना सबसे पहले आपको दूंगा, वादा करता हूँ।
मुंह उठाकर आ गया, किराए पे दे दो कमरा, पैसे हैं नहीं पास में। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपके पास एडवांस नहीं है? आपने पूछा ही नहीं। ठीक है, मैं मुमानी से बात करके आती हूँ। बीबी तुमने ठेका लिया होगा भाई सबका, मुझे कतई कोई शौक नहीं है खिदमत खल्क करने का। मुमानी आप यकीन करें, अगर मुझे पता होता कि उसके पास एडवांस के पैसे नहीं हैं तो मैं उसको कभी यहाँ ना लाती। अरे तो ये सारे गरीब फकीर तुम्हें कहाँ मिल जाते हैं? मैंने सोचा था कि घर किराए पे दूंगी, चार पैसों का आसरा हो जाएगा, अब तो उसकी भी उम्मीद खत्म हो गई। अरे इस लड़के ने तो अभी से रोना डाल दिया है पैसों का। नहीं नहीं मुमानी, फैसल आपको किराया वक्त पर देगा, इतना तो मैं जानती हूँ, वो झूठा नहीं है, बहुत ही ईमानदार इंसान है। अरे भाड़ में गई ऐसी ईमानदारी? मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इस गरीब फकीर की तुम मदद कर क्यों रही, क्या मिलेगा तुम्हें इससे? वानी मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अल्लाह की रजा के लिए कर रही हूँ। अरे हिना मुझे ये किताबी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती, तुम्हें जो करना है तुम करो। उस लड़के को समझा देना कि मुझे किराया पूरा चाहिए और वक्त पर चाहिए, वरना उसका सामान उठा के बाहर फेंक दूंगी। फकीरों की मदद करने चली है। फैसल, जी आप यहाँ इस वक्त? सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कहिए। वो एक्चुअली स्कूल से मैम की कॉल आई थी कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कल का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ओ वो शायद खुद भी आपको कॉल कर रही थी मगर आपने रिसीव नहीं की। वो एक्चुअली मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ है और मैं खाना खा रहा था, फ़ोन भी वाइब्रेट पे, मुझे पता ही नहीं चला, आई एम सो सॉरी। एक ग्लास पानी मिलेगा? पानी मैं दूसरा लेके आता हूँ आपको। थैंक यू। आप अपना सामान नहीं लेकर आए? वो मैंने आपको बताया था ना कि मैं हैदराबाद से आया हूँ, इसीलिए अपना सामान नहीं लेकर आया। वैसे भी फैमिली साथ नहीं है, फैमिली अगर साथ होती तो सामान लाते अच्छा भी लगता, अब मैं अकेला हूँ, मुझे इतने सब सामान की क्या जरूरत, बस यही काफी है मेरे लिए। जज़ाकअल्लाह। खड़ी हुई हो, मैं सारे घर में ढूंढ रही हूँ, तुम जानती हो ना तुम्हें रोटियां बनानी है। मुमानी जान आप चलें, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। वैसे तुम यहाँ स्टोर में कर क्या रही हो और ये सारा सामान क्यों निकाल के बाहर डाल दिया? असल में ये कुछ एक्स्ट्रा बर्तन हैं, अम्मी के इंतकाल के बाद आपके घर आके मुझे इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ी तो मैंने सब यहाँ रख दिया था। अरे तो अब काहे को बाहर निकाल के डाल दिया? मैं ये फैसल को दूंगी, उसके पास सामान नहीं है,
मेरे लिए सब गैर जरूरी है, उसके काम आ जाएगा। अच्छा, तो अब उसने तुमसे चीजें भी मांगना शुरू कर दी। अरे नहीं नहीं मुमा निशान, फैसल तो बहुत खुददार है, उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मैं ये सब कुछ उसको खुद दे रही हूँ। और वैसे भी ये मेरा सामान है, मैं इसका जो चाहे करूं। मेरा सामान, बढ़िया ही मर्जी चलाने वाली। अस्सलाम वालेकुम मिस सना। वालेकुम सलाम। आप वो, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किस बात का शुक्रिया? यही तो आपकी आजिज़ी है, आप एहसान भी करती हैं और भूल भी जाती हैं। बहुत कम लोगों में देखा है मैंने ऐसा। प्रिंसिपल से आपने मेरी एडवांस सैलरी की रिक्वेस्ट की, आप यकीन करें उस सैलरी से मेरे इतने मसले हल हो गए, मैं बता नहीं सकता मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकता। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो अगर आपको मौका मिले तो किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दीजिएगा और अपनी नेकी के सवाब में मुझे भी हिस्सेदार बना लीजिएगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि आप कितनी अच्छी हैं। जी जज़ाकअल्लाह। हिना टीचर, हिना टीचर। ए लड़की, कहाँ जा रही हो तुम? हिना टीचर है क्या? ये क्या लेकर आई हो तुम? वो अमीनी टीचर हिना के लिए कोरमा भिजवाया। अच्छा, शुक्र है तुम्हारी अम्मा को कुछ तो ख्याल आया। फीस कब भेज रही हैं, उन्हें कुछ फिक्र है कि नहीं? ये बताओ, अब्बा की नौकरी लग गई? अब्बा की जॉब तो नहीं लगी, लेकिन वो किसी अंकल के साथ 3 दिन से जॉब के सिलसिले में कहीं जा रहे हैं, उसी खुशी में अम्मा ने कोरमा बनाया। खैर चलो, यही गनीमत है कि कुछ तो आया तुम्हारे घर से। अम्मा से कह देना मैं हर महीने का हिसाब रख रही हूँ फीस का, समझ गई? जैसे ही अब्बू के पैसे आए फौरन भिजवा दें फीस। चलो अब जाओ, प्लेट का ला के ले जाना। वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, जिब्रान के लिए रख देती हूँ, बड़े शौक से खाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आप मुझसे इस तरह की बातें करेंगे और मैं घर आ जाऊंगा वापस? ऐसा कभी भी नहीं होगा, सुन ले आप लोग। अच्छा ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, पछताएंगे आप लोग, जो कुछ होगा ना उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। मैं वैसे इतना आ गया अपनी जिंदगी से। उसमें तो हो? चलो मेरे साथ। मुझे तुमसे इस हमाकत की उम्मीद नहीं थी। आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हें बहुत बहादुर और अकलमंद इंसान समझती थी। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूं।
ये लो पानी पियो। अब बताओ क्या मुश्किल है? ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप प्लीज इसमें इंटरफेयर मत करें। ये मेरी जिंदगी है, मेरी जो मर्जी मैं करूं। तुम्हारी जिंदगी है? तुम्हें किसने कहा ये तुम्हारी जिंदगी है? इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये जिंदगी तुम्हारे पास खुदा की अमानत है जो उसने तुम्हें अता की है, और तुम इस अमानत में खयानत नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में है? जब कोई मुश्किल आएगी तुम अपनी जान ले लोगे? तुम इतने नाशुक्रे कैसे हो सकते हो फैसल? अल्लाह तुमसे कितनी मोहब्बत करता है जिसने तुम्हें ये जिंदगी अता की है, तुम उसकी अमानत में खयानत कैसे कर सकते हो? मैं नहीं जानती तुम किस मुश्किल में हो, मगर मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो तुम्हारी मुश्किल आसान करे। मगर एक बात याद रखना, तुम इस दुनिया में तो अपनी मर्जी कर लोगे, मगर आखिरत में अल्लाह पाक को क्या जवाब दोगे? खुद को ऐसी आजमाइश में मत डालो कि रोज़े महशर तुम अपने रब का सामना ना कर पाओ। ये वक्ती आजमाइश है, अगर इसमें सब्र करोगे तो बहुत मिलेगा। से आ रही हो तुम? तुम जानते हो कि मैं कहां से आ रही हूं? मेरे तो ये समझ नहीं आता कि तुम वहां जाती क्यों? क्यों गई थी वहां? मैम ने असाइनमेंट दी थी, उसी का बताने गई थी फैसल को। अपने प्रिंसिपल से कहना जो भी काम हो वो स्कूल में करा दिया कर। मुझे तुम्हारा उस लड़के से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं यकीन करो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा सारा इंटरेस्ट उस फैसल में से है ना, मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूँ। तुम बहाने बहाने से उससे मिलने जाती हो। तुमने आज तो ये सब कह दिया, आइंदा मत कहना। क्यों? सच कह रहा हूँ तो तुम्हें बुरा लग गया? You know what? पहले मुझे लगता था तुम्हारी सिर्फ जुबान ही गंदी है, मगर अब अंदाजा होता है कि जुबान के साथ साथ तुम्हारी सोच भी उतनी ही घटिया है। क्या तुमने मुझे घटिया कहा? हाँ, मैंने तुम्हें घटिया बोला क्योंकि तुम घटिया हो। अच्छा, ज्यादा पढ़ लिख गई हो ना, इसलिए तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब हो गया। ठीक बोलते हैं, औरतों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, अपनी औकात भूल जाती है। अपनी औकात भूलती नहीं है, बल्कि तुम जैसों को उनकी औकात याद दिलाती है। काश कि तुमने भी कुछ पढ़ लिख लिया होता तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। मामू जान को मेहनत के लिए बाहर ना जाना पड़ता। अभी भी वक्त है जिब्रान, सुधर जाओ। दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने से बेहतर है किसी काम में दिल लगाओ, यही तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा और मुमानी जान के लिए। आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये घर की चाबियां हैं, आप अपनी मामानी को दे दीजिए। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ।
कमरा मैंने छोड़ दिया है, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। स्कूल से भी रिज़ाइन कर दिया मैंने। ये 2 महीने का किराया है, आप प्लीज़ अपनी ममानी को दे दीजिएगा। आपकी ममानी से मेरा कमिटमेंट था कि मैं जब ये कमरा छोड़ूंगा तो उन्हें 2 महीने पहले इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन सब कुछ इतनी अचानक हुआ, इतना जल्दी में हुआ कि मैं उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर सका, तो इसीलिए 2 महीने का किराया आप प्लीज़ उन्हें दे दीजिएगा। आपने मुझे भी कुछ नहीं बताया। वो मैंने बताया ना कि सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मैं किसी को इन्फॉर्म ही नहीं कर सका, आपको भी नहीं। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं। आपके बिहेवियर से लग रहा है कि आप मुझसे नाराज हैं। आपके और मेरे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं है फिर से कि मैं आपसे नाराज हूं। आप जा सकते हैं। आप मुझसे नाराज हो सकती हैं, आपका मुझ पर पूरा हक है। आपने ठीक कहा कि हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ आपने मेरे लिए किया है वो शायद कोई अपना भी नहीं करता। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। है ना, मैं जरा बुशरा अपा की तरफ जा रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी वापस आने में। कीमा निकाल के रख दिया, आलू कीमा बना लेना। कर रहे हो जिब्रान? है ना, तुम सोते हुए जो हो ना बहुत प्यारी लगती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? दिल तो चाह रहा है कि तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा तुम अभी इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ। है ना, मेरी बात तो सुनो तुम। देखो जिब्रान, मुमानी इस वक्त घर पर नहीं है और मैं तुमसे उलझना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी यहां से चले जाओ। अम्मी घर पे नहीं है तभी तो मैं यहां आया हूं। इससे ज्यादा अच्छा मौका हम दोनों को नहीं मिल सकता। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो है ना, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करने लगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरी बात तो सुनो। तो शर्म करो जिब्रान।
मैं तुम्हारी कजन हूँ। देखो हम लोग शादी कर लेंगे ना। हिना तुम पागल हो गए ऑटो भी रास्ते से। हिना मेरी बात तो सुनो, परेशान मत हो हिना। अरे क्या हो गया, दूर हटो माम। शुक्र है आप आ गए। जिब्रान जिब्रान मेरे कमरे में। अम्मी ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। इसने मुझसे पहले भी कहा था कि ये मुझसे शादी करना चाहती है, मगर आप नहीं मानेंगी, इसलिए ये सब कुछ इससे किया। आपको पता है आप जब घर से गई थी ना, इससे इस बात का फायदा उठा के मुझ पे तुम्हारी। अरे चुप रहो बिल्कुल। मुझे तो पहले ही यकीन था कि मेरे बेटे पर नजर है तुम्हारी। ये झूठ बोल रहा है, ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। जब ये अपने आपको सही साबित करने के लिए बात बात पर आपसे झूठ बोल सकता है, तो खुद को मजलूम साबित करने के लिए मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकता। तौबा, 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 तौबा। ना तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक हो। शुक्र है मेरे अल्लाह मैंने तुम्हारे कहने पे निकाह नहीं किया, वरना तुम अम्मी से कहती कि ख्वाहिश मेरी थी तुम्हारी नहीं। अपनी बकवास बंद करो। तुम मुझ पर हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारा, देख रही है आप इसकी हिम्मत, देख रही है। हमारे घर में रहती हो, हमारा खाती हो, यहां सोती हो, आपके सामने आपके बेटे को थप्पड़ मारा और आप कुछ नहीं कह रही। उसे पहले ही कहता था, आपने आस्तीन का सांप मार रखा है। मेरे सामने, मेरी नजरों के सामने तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाया तुमने। जो हरकत जिब्रान ने की है, थप्पड़ तो इसके लिए बहुत कम है। मेरा बस चले तो मैं इसकी जान ले लूं। देखा देखा आपने, के सामने खड़े होकर आपके बेटे को जान की धमकी दे रही है। चुपचाप खड़े होके सुन लीजिए, अभी क्या अभी इसे घर से निकाले। निकलो अभी और इसी वक्त निकलो कि तुम इस घर से। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने कम सर हो। आप यही चाहती है ना कि यहाँ से चली जाओ। मैंने तो पहले भी कभी अपना बोझ आप पर नहीं डाला, अब भी नहीं डालूंगी। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। वहां कहां उधर के दर, अभी इसी वक्त बाहर निकलो, बाहर। अभी आप क्या कह रही है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, आप मुझे थोड़ी मोहलत तो दे। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मैं कल ही चली जाऊंगी। कल नहीं, आज, अभी और इसी वक्त। चलो निकलो बाहर। क्या कर रही है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। आपको पता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी इस। अरे बाहर में कहीं तुम, चलो निकलो, थोड़ा सा चलो, चली जाऊंगी, निकलो बाहर, चलो। इधर निकलो, चलो बाहर। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रही मेरी बात। जाए प्लीज, निकलो बाहर। मेरी बात नहीं सुनी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, घर से बाहर निकलो। खोले प्लीज, मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त, आपको पता भी नहीं, बस ऑप्शन नहीं है। प्लीज दरवाजा खोलो। शुक्र है आप मुझे यहीं मिल गई, वरना आपको ढूंढने के लिए सड़कों की खाक छाननी पड़ती। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप तो चले गए थे ना? हाँ चला गया था, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ आपसे मिलने के लिए वापस आना था। मैं आपके घर भी गया था, आपकी मुमानी ने बताया कि आप घर से जा चुकी हैं, और बस इसी चक्कर में आपके कज़न से झगड़ा भी हो गया मेरा। लेकिन अब आप परेशान मत हो, आगे मंजिल बहुत आसान है। ये आप क्या कह रहे हैं फैसल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये गाड़ी किसकी है, तुम्हारी अपनी है ये गाड़ी? आप यही सोच रही हैं ना कि एक वो शख्स जिसके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है, उसके पास ये गाड़ी कहाँ से आई? एक्चुअली मैं अपनी फैमिली से नाराज होकर यहाँ आ गया था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक है, मैंने अपने पेरेंट्स को मना लिया है।
अब मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। और आपको पता है मेरे अंदर ये तब्दीली आपकी वजह से आई है। अब मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। आपसे मोहब्बत तो मुझे बहुत पहले हो चुकी थी, बल्कि शायद पहली नजर में ही हो गई, लेकिन इजहार करने की हिम्मत आज हो रही है। आपसे डर भी लगता है, आप डांटती बहुत है ना, डांटेंगी तो नहीं? मैं नाराज हूं आपसे। आप यूं अचानक से मेरी जिंदगी में आए और अचानक से चले गए। लेकिन सारी जिंदगी के लिए आपको अपने साथ वापस ले जाने के लिए गया था। फिर भी आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा जिंदगी में आपको अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। मोहब्बत करता हूँ आपसे, चलें प्लीज। बस मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। तब उस मनहूस से जान छूट गई मेरी, शुक्र है। इससे अच्छा मौका क्या मिल सकता था मुझे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा किया आपने निकाल दिया, वरना दुनिया जहान में आपके बेटे को बदनाम कर देती हूँ। मेरे सामने ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। वैसे भी मुझे निकालना तो था ही उसको किसी ना किसी तरीके से। नीचे देखो, कौन सा तकिया? कमरे में देखो। चलो जा देख कौन सा तकिया के नीचे चाबी है। जल्दी देख जल्दी। अरे मुझे गरीब पे रहम करो बच्चों। अरे भाई प्लीज करियो, पूरा मैगजीन उतार दूंगा दिमाग में। हाँ बता रहा हूँ तेरे को बेटा, मुझ गरीब पर रहम कर दो, मुझ बुढ़िया पर। देखो देखो मेरी जमा पूंजी है ये सारी, मेरा क्या होगा। अल्लाह ए बुढ़िया, ना तो नाटक नहीं, खामोश होके बैठी रहे, समझी ना। चलो ए जल्दी से समेटो सब कुछ। अभी जान जो करने करने दे, आप चुप। जी जी उस्ताद। हाँ सारी तिजोरियां खाली कर ली, सब कुछ ले लिया ना? हाँ उस्ताद। हाँ समेट लिया। हाँ चल अब निकल। ओए होशियारी नहीं, हाँ गोली मार दूंगा तेरे को, बैठ सीधा होके बैठ। ए बुढ़िया ए ये उतार, जल्दी उतार, निकाल। ये चेन सोने की है, उतार इज्जत से उतार, तेरे को बोल रहा हूँ इज्जत से उतार, इसको उतार जल्दी। अरे जिब्रान बेटा, अरे देख तेरी माँ आई है जिब्रान, अरे देख तेरी माँ आई है, आप खोल के तो देख रहे अपनी माँ को, एक मर्तबा देख रहे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा एक मर्तबा देख रहे। जिब्रान आई लव यू, मुझे माफ कर दे परवरदिगार, अरे तूने मेरे बच्चे को मुझे सजा दे, अरे मेरे परवरदिगार ये मेरे सब जालिम का मकाफात है, मैंने उस मासूम को, लमिया मुझे माफ कर दे परवरदिगार, मुझे माफ कर दे परवरदिगार, मैं तेरी गुनाहगार हूँ।